दोस्तों गियर फिने हमें ये गियर कैसा फिटिंग होता है इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में क्या पूरा इंजन का पूरा डिटेल्स बताएंगे। पहले गियर फिने हम का काम कर लेते हैं। एक वॉशर हो गया यहाँ पे, जैसा ये वाला ये ऐसा नहीं लगेगा, फंसा देने से नहीं होगा, नॉक हो गया जो जिसका फिने में उसी में फंसना चाहिए। ये हो गया, इसमें एक बूस्ट फंसेगा। ये बड़ा पिनियम जो है वो एक नंबर की पिनियम हो गया, एक दो तीन चार। अब एक वॉशर फिर इधर तो फंसा हुआ है, ये फंसेगा। फिर एक अलग से वॉशर लगेगा इसमें। ये पिनियम उल्टा सीधा होता है, थोड़ा सा दाग घाट बना हुआ है, इस तरफ रहना चाहिए। इधर भी लगा देने से चलेगा, दिक्कत नहीं है इसमें। वॉशर होगा, इसमें भी घाट होता है, घाट नहीं उल्टा सीधा कोई बात नहीं। जैसा कि देखिए इसमें घाट बन गया, एक दो तीन घाट, इधर भी दो तीन घाट है, इसे बटना चाहिए। एक वॉशर यहाँ पे फंसेगा, इसमें यहाँ पे बड़ा वाला पिनियम होता है, इसका नीचे तरफ फंस गया। इसमें गियर सेलेक्ट हो गया, एक इधर फंसेगा एक इधर फंसेगा, आराम से फंस गया, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। फिर दिखाते, ऐसा उल्टा हो गया, ऐसा नहीं फंसेगा, इस तरीके से फंसेगा। इसमें हम फंसा देते हैं, अभी गियर फिने कंप्लीट, अभी इसमें फंसा देते हैं। बैठ गया दोस्तों, इसमें थोड़ा ऑयल डाल दो। इसमें ऑयल डाल दे, ये न्यूट्रल पत्ती हो गया, केरंग हो गया, केरंग को भी हम फंसा देते हैं। अभी बैठ गया दोस्तों, देखिए इसमें घाट होता है, ये घाट घाट में आधा होना चाहिए, इधर भी होता है, तो मतलब बैठ गया। बेयरिंग में थोड़ा मोबाइल डाल दें, छोड़ दो, इसमें पैकिंग फंसाओ। दोस्तों इधर मेरा तीन उस्ताद जी काम में लगा हुआ है, इसमें एनाबोन डालता है मेन चेंबर में, पैकिंग फंसेगा अभी, मेन पल्ला भी बोल सकते हैं। इधर अंदर भी काफ़ी हो गया, थोड़ा बाहर का तो अभी दिखा देते आप लोग से। दोस्तों करीब 10 से ऊपर बज गया अभी, NXG का इंजन फिटिंग हो रहा है इस बाइक का। NXG एक प्रॉब्लम आ गया, इस कारण छोड़ दिया इस गाड़ी में भी। गाड़ी का तो काम हो गया, दोस्तों देखिए अभी टाइम कितना हो गया, 10 बज गया, पूरा पूरी 10 हो गया, 10-2-3 मिनट हो गया, करीब आधा घंटा में तैयार हो जाएगा, 10:30 बजे तक स्टार्ट कर देंगे इस बाइक को। NXG का इंजन हो गया है, सभी पार्ट्स जो है जेन्युइन पार्ट्स है इसमें, प्रेशर प्लेट, टाइमिंग चेन, सेल्फ चेन, गॉइस का पिस्टन लगाएंगे इसमें, ZPT फिनियम भी है। इसका भी दाम बहुत बढ़ गया, पहले 200 रुपया था, अभी कितना देंगे दोस्तों, 290 रुपया हो गया। ऑयल वेल है, पैकिंग वैकिंग तो फंसा दिया।
दोस्तों अभी क्लास प्लेट फिटिंग होगा, क्लास प्लेट का पूरा जो पार्ट्स है सभी डालेंगे। तीन प्रेशर प्लेट हो गया, चार क्लास प्लेट, क्लास हॉब्स हो गया, इसमें क्लास प्लेट बैठेगा, ये क्लास सेंटर होगा, पूरा कंप्लीट न्यू हो जाएगा। दोस्तों इधर तो कंप्लीट हो गया, मैंने तो बताया एक बार, इस बार क्या करेंगे मेन पल्ला बैठा देते हैं। बैठ गया, अभी आठ नंबर की बोल फंसाएंगे, आठ नंबर की बोल फंस गया, अभी आठ नंबर की हम ले लेते हैं स्टार्ट करने के लिए। तो वॉल सेल किट हो गया, गियर सबका ही हो गया, गियर जो सेलेक्टर लगता है इसका दस नंबर की बोल लगता है यहीं पे, तो गियर आगे वाला स्पोर्ट का वॉल सेल हो गया। फुल टेट हो गया सभी बोल, ऊपर बैठना पड़ता है, एनावन भी डाल दे कि लीक ना करे। दोस्तों वीडियो बड़ा होने से हम लोग को दिक्कत है, थोड़ा काट काट के देंगे। ये गियर साफ्ट हो गया दोस्तों, ये बैठ गया, दोस्तों ऐसे गियर चेंज होता है। दस नंबर के बोल्ट था इसमें, टाइट करो दोस्तों, इसमें जीपीटी पिन है, देखे दिखाओ सही से, 290 रुपया दाम है, छोटा सा एक पिनियम का 290 रुपया, मेरा ख्याल से तो 30-40 रुपया होना चाहिए इसका दाम। ये फंस गया, आराम से फंस जाता है दोस्तों, एक वाशर फंसता है यहाँ पे, ये फंस गया। अभी एक बूज भी होता है, क्लास हाउसिंग को हम फंसा दिए, इसमें पतली से एक वाशर बढ़ते हैं, फंस गया हाउसिंग के बाद, ऊपर से वाशर डाल दे पतली से, दो लॉक रहेगा इसमें, कोई आदमी नया देखा वो ये वाशर टूट गया, वो लॉक होता है ऐसा, इको यहाँ का चैप्टर दे दो, इसमें घाट बना होता है, फंस गया अंदर, उठेगा नहीं, लॉक हो गया। बताए थे ये सब ओरिजिनल है, सब बैठा दे, ये क्लास हब्स हो गया, ये क्लास सेंटर हो गया, क्लास प्लेट प्रेशर प्लेट सब नया लग चुका है। इधर देखिए लाल है, लाल हो गया, लाल मतलब हीरो का जेन्युइन पार्ट्स है सब दोस्ती, पूरा कंप्लीट है, फंसा देंगे इसमें, फंस गया, आठ हो गया इधर दोस्ती, चलो कूलर फंस दे, कूलर से अभी टाइट होगा, सही से पकड़ो, कंप्लीट हो गया दोस्तों। चार स्प्रिंग फंसता है इसमें, दो बोल फंसा देते हैं दस नंबर की, ये दोनों भी फंसा दो अभी फुल टाइट हो गया दोस्तों, इस सब चार बोल, ये अभी हेड फंसा ना, कामी को हेड फंसा ना अबे दोस्तों हम लोग का इधर बांग्ला ज्यादा चलता है, थोड़ा दो तीन मिनट के लिए हम बाहर चला गए थे, अभी इस प्लेट को फंसा देते हैं हम लोग, स्क्रूफ सब दे दो चार, अभी चारों स्क्रूफ टाइट हो गया दोस्तों। तो इसमें एक प्लेट बैठेगा वजन के यहीं पे, दो आठ नंबर की बोल्ट दोस्तों, इधर कंप्लीट हो गया, अभी क्लास चैम्बर फंसाएंगे, फंसाओ अभी बोल्ट फंसा नहीं गा।
दोस्तों स्टोन रिंग का तो वीडियो मैंने बना है बहुत ही, फिर भी जितना भी काम होगा सभी दिखा देंगे। एक टॉप वन आयरन का तरफ, टॉप टू दोस्तों यहाँ पे देखिए साइलेंसर का तरफ, आयरन मतलब कार्बोरेटर, ये हो गया आयरन। और जो वेल्डिंग है एक इधर है, ये आयरन ऊपर में है ना, एक इस साइड में, दूसरा इस साइड में, और ऑयल एक्सपेंडर इधर, मतलब एक दो तीन, और नंबर टू जो हो गया कंप्रेसर ये साइलेंसर का तरफ, और नंबर वन कार्बोरेटर का तरफ। तो अभी सिलेंडर फंसाएंगे, इसका पिस्टन रिंग सभी नया है, टाइमिंग चेन भी नया, किरंग का दोनों बेरिंग नया, कनेक्टिंग रॉड भी नया। और ये अंदर में बोलोक में फंसेगा, अंदर चला गया ये, देखे इधर देखो ये घाट है, ये फंस गया, ये घूमना चाहिए, पिस्टन भी फंसा दिया, अभी ये करेंगे फंसाओ, फंस गया दोस्तों, थोड़ा इधर देखो पिस्टन ऊपर आ गया दोस्तों ये हेड गैस्केट हो गया, फंसा दे, कॉल बुस हो गया, एक ओरिंग भी फंसा देते हैं दोस्तों, ये हेड हो गया, भाल दोनों नया डाल दे, भाल फंस गया दोस्तों। चार वॉशर होता है इसमें, टॉप कवर का स्टेड में वॉशर डाल दे चारों बोर्ड, जल्दी बैठ गया, ये टाइमिंग हो गया, एक घाट यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे बिन दिया हुआ है, ये अरे यहाँ सेंटर होना चाहिए, टाइमिंग में आ गया। दो आठ नंबर के बोल्ट फंसा देते हैं, ईट का बोल्ट हम टाइट कर दिए दोस्तों, इधर हेड ब्लॉक का काम कम्प्लीट हो गया, अभी इधर बेस प्लेट उस प्लेट लगाएंगे तो कम्प्लीट हो ही जाएगा दोस्तों। बेस प्लेट भी फंसा दिया, सेल्फ का चेन तो फंसा दिए, अभी मैग्नेट को फंसाएंगे, मैग्नेट को भी फंसा दिए दोस्तों, अभी इसको नट को फंसाएंगे दोस्तों, मैग्नेट हो गया, अभी मैग्नेट को कम बैठा देंगे इसमें दोस्तों। ये इंजन तैयार हो गया, अभी बॉडी में फिटिंग करेंगे, दोस्ती सेल्फ का हो गया, ये तो लाइट कोयल वेल हो गया, पिकअप कोयल का हो गया, स्टीयरिंग पिकअप, यही तार सब लगा दे हम दोस्तों। स्पॉकेट चेंज होगा, ये न्यू वाला हो गया, आगे वाला स्पॉकेट मैंने लगा दिया, ये चेन हो गया न्यू ओरिजिनल चेन है, ये ब्रेक शू भी हो गया, इंजन फंसा दिया, अभी स्टार्ट करेंगे एक दो मिनट में दोस्तों। इसमें कैस्ट्रोल मोबाइल डालेंगे दोस्तों, एक्टिव मोबाइल है, मोबाइल के फंसा दो दोस्तों, बहुत ही रात हो गया इसलिए साइलेंसर फंसा के स्टार्ट करेंगे, नहीं तो आदमी को दिक्कत हो जाएगा, अगल बगल में सो रहा है दोस्तों। अब स्टार्ट करेंगे इस बाइक को, गाड़ी कंप्लीट होगा, ये वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये सब फिटिंग हो गया दोस्तों, ये गाड़ी पूरा तैयार कंप्लीट हो गया, ये मेरा तीनों उस्ताद जी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।